नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि GI टैग क्या होता है, ये किन वस्तुओं पर मिलता है और इसका लाभ और महत्व क्या है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। भारत में सबसे पहला GI टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। भारत में 300 से ज़्यादा उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। 1999 में देश की संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को लागू किया था, जिसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह की तरह होता है। भारत में GI टैग किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों के लिए दिए जाते हैं। कई बार एक ही फसल के लिए एक से अधिक राज्यों को भी GI टैग दिया जाता है। जैसे बासमती चावल GI टैग के तहत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य का अधिकार है। कैसे मिलता है GI टैग? किसी भी वस्तु को GI टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। इसके बाद तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और मूल पैदावार निर्धारित राज्य की है या नहीं। इसके साथ ही भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार में कितना योगदान है, ये भी देखा जाता है। किन राज्यों को प्राप्त GI टैग? भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था। महाबलेश्वर को स्ट्रॉबेरी के लिए, जयपुर को ब्लू पॉटरी के लिए, बनारस यानी यूपी को बनारसी साड़ी के लिए, तिरुपति को तिरुपति के लड्डू के लिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ को कड़कनाथ मुर्गे के लिए, कांगड़ा को पेंटिंग के लिए, नागपुर को संतरे के लिए, कश्मीर को पश्मीना साल के लिए, हिमाचल को काले जीरे के लिए, छत्तीसगढ़ को जीरा फूल चावल के लिए, बंगाल को रसगुल्ले के लिए और उड़ीसा को कंधमाल हल्दी के लिए GI टैग दिया जा चुका। अब इसके नियम क्या है? औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए GI टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का विनिमय विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा किया जाता है। GI टैग किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ये फायदा है, GI टैग से उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। GI टैग से सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित किया जाता है। GI टैग से स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। GI टैग से टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। GI टैग अभी तक किन किन विशेष चीज़ों को मिला है वो जानते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटका, वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल, अर्कू कॉफी आंध्र प्रदेश, कंधमाल हल्दी उड़ीसा, इरोड हल्दी तमिलनाडु, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, अल्फांसो आम महाराष्ट्र, कुल्लू साल हिमाचल प्रदेश, बारंगल की दरी तेलंगाना, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, बोसा सोल चावल आसाम, बनारसी साड़ी बनारस, सिल्क साड़ी तमिलनाडु, वृक्ष नीलांबर टीक केरला, मरयूर गुड़ केरला, सिरसी सुपारी कर्नाटका, रसगुल्ले पश्चिम बंगाल, छऊ मुखोटा पश्चिम बंगाल, गोविंदो भोग चावल पश्चिम बंगाल, करतनी चावल मगही पान, शाही लीची, जरदालू आम, सिलवा खाजा बिहार को प्राप्त हो चुका है। धन्यवाद।